वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। जो लोग सीटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग सीटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो है ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। इसलिए कि ये जो इसमें जो मैथ देखेंगे वो सीटीएस लेवल का ही देखेंगे, ठीक है। किसका देखेंगे? सीटीएस लेवल का ही देखेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत परसेंटेज हो गया था, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि भी हो गया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे समय तथा कार्य, टाइम और वर्क, ठीक है। इसमें अभी ये स्टार्टिंग है ना, टाइम एंड वर्क स्टार्ट ही है इस वीडियो में, तो थोड़ा सा जो है नॉर्मल तरीके से देखेंगे। और अभी जितना भी मेरा मैथ का क्वेश्चन जाएगा वो ज़्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो सीआरटीएस से पूछता है वो ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं है, खाली बेसिक पता होना चाहिए। चलिए, समय तथा कार्य, इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा? समय मिलेगा और कार्य, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है इस चैप्टर में, क्या आपको आएगा? ये आएगा कि ए क्या करता है, किसी काम को 6 दिन में करता है, किसी काम को 6 दिन में करता है। मान लीजिए कि ए काम, तो देखिए काम दो तरह का, एक में क्या होता है किस समय आपको दिया रहेगा, कितना समय में काम करना, ठीक है, और एक क्या होता है कि आपको काम दिया रहेगा आपको कितना देरी में करना है वो आप जाने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ए कोई व्यक्ति है ना, ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है, किसी काम को कितना दिन में, 5 दिन में करता है। अगर मान लीजिए ये दिए रहे तो ए क्या करता है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, इसका मतलब ये भी तो आप खा सकते हैं ना, ये जो है 6 दिन में एक काम करता है, कितना काम करता है, एक काम करता है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि ए 6 दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। अगर हम पूछेंगे कि वो 1 दिन में काम कितना करता है तो आप क्या बोलेंगे, तो आप ही बोलेंगे कि 1 दिन में ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है, 1/6 भाग काम करता है, कितना काम करता है, 1/6 भाग कार्य करता है ना, कार्य 1/6 भाग कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछते हैं कि बी 1 दिन में कितना करता है, तो बी जो है 5 दिन में कितना करता है, एक काम, कोई एक काम है उसको 5 दिन में करता है, तो 1 दिन में ये कितना करता है, अगर हम पूछेंगे 1 दिन में कितना करता है तो आप क्या बोलेंगे, 1/5 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1/5 बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम ये बोलेंगे कि ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करता है तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे A+B, ये करेंगे ना, ए का 1 दिन का कितना काम है, 1/6, प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे उसके बाद 1/5, ठीक है। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 30, 6/5, 5 प्लस 5/6, 11/30, कितना भाग क्या करता है, काम करता है, कार्य करता है, ये बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो देखेंगे कार्य देखेंगे कितना दिन में पूरा किया, इसमें आपको आएगा कि ए अकेला इतना दिन में करता है, बी अकेला इतना दिन में करता है, सी अकेला इतना दिन में करता है, इस प्रकार से इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये जो है आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सीआईएस एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो जो उन्होंने सिलेबस दिया है, जो चैप्टर दिया है उसी को देखते हुए, है ना, 2-3 वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को
छह दिन में करता है, ठीक है। ए अकेला किसी कार्य को छह दिन में करता है। बी अकेला इस कार्य को बारह दिन में समाप्त करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा कि अगर ए कोई व्यक्ति है, अगर ए अकेला करता है कोई काम को कितना दिन में लगता है, उसको लग जाता है छह दिन लग जाता है, ठीक है। और अगर बी उसी काम को करता है कितना दिन लगता है, बारह दिन लगता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब आप खुद अकेले काम करेंगे तो क्या होगा, काम करने में तो कुछ तो दिन लगेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर वो काम करता है अकेला करता है तो उसको भी पांच दिन दस दिन लग सकता है। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, काम बहुत कम समय में हो जाएगा। इसी चीज को क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिल जाता है तो इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए कितना दिन में करता है, छह दिन में। ए कितना दिन में करता है, छह दिन में। और बी कितना दिन में करता है, बी करता है बारह दिन में, ठीक है। पूछा क्या, अभी हम थोड़ा सा लॉन्ग बता देते फिर शॉर्ट भी बता देंगे तुरंत बनाने का। तो क्वेश्चन क्या कहा, ए तथा बी दोनों मिल जाता है। ए तथा बी दोनों मिले का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर ए किसी काम को छह दिन में करता है, कितना दिन में, छह दिन में एक काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, एक बटा छह काम करेगा ना, इतना भाग करेगा। तो आप जब ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉइंट को समझ गए, नहीं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका थोड़ा सा जल्दी कम समय मैथ को कंट्रोल करना है तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या करना है, एक बटा छह लिखना है, ठीक है। एक बटा छह, ए के जगह पर कितना आ गया, एक बटा छह, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए, और बी के जगह पर कितना आ गया, एक बटा बारह, ठीक है। एक बटा छह कहाँ का है वो तो पता है ना, एक दिन का, एक दिन में इतना भाग, ये भाग, ये काम का भाग है, ये भी काम का भाग। अभी क्या हुआ, अभी ये भिन्न का जोड़ हो गया, क्या हो गया, भिन्न का जोड़, एलसीएम निकालेंगे तो छह और बारह का लघुत्तम कितना होगा, बारह होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि एलसीएम बारह कैसे आएगा, है ना, क्योंकि उनको पता है कि जिनका रिवीजन छूट गया है उनको दिक्कत है, और उन्हीं के लिए हम वीडियो भी बना रहे हैं जिनको मैथ में ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो लोड भी है। चलिए तो एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम तो निकालने के लिए आपको अवगत करता होगा, दो से लगाएंगे कितना, तीन, दुके के कितने बार पढ़ेंगे, कितने बार, तो बारह आएगा तो छह बार। अब किससे लगेगा, तीन से, तीन कम तीन, तीन दूना छह, कितना हो गया, अब इसको उसको गुना कर दीजिए, दो तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, चलिए बता दीजिए कितना एलसीएम आ गया, बारह। अब आपको देखिए क्या करना है, ये कितना है, छह लिखा हुआ, और ये कितना है, बारह। अब छह को कितने बार बारह पढ़ेंगे, छह को कितने बार पढ़ेंगे कि बारह आएगा, पढ़िए तो छह दूनी बारह, कितना बार, दो बार, तो जितना बार आएगा उतना बार यहाँ पे गुना करके यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो दो बार में आया तो एक गुने दो कितना होता है, दो, तो दो लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह है प्लस लीजिए, बारह से कितने बार में बारह आएगा, एक बार में, ठीक है। कितना से गुना करेंगे, एक से, एक गुने क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अभी क्या है, दो और एक तीन, दो और एक तीन बटा कितना, बारह, दो और एक तीन, तीन बटा बारह, काट दीजिए कटता है तो कट दिया, बारह कितना आ गया, एक बटा चार। तो ये क्या आया, ये आया कि एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा, तो एक बटा चार बात करेगा। हमको क्या चाहिए, दिन चाहिए, तो जोड़ को जो जोड़ने के बाद जो आएगा ना, इसको जस्ट उलट देना, इसको उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा, चार दिन, कितना आंसर आएगा, चार दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिल जाएगा, कितना दिन में काम हो जाएगा, चार दिन में आग मिल जाएगा, ठीक है। कितना दिन में काम होगा, चार दिन में हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे, चार दिन में। तो ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया। और आप अगर तुरंत बनाना चाहते हैं, ठीक है, सेकंड में आंसर लाना चाहते हैं, तब क्या करिएगा, सेकंड में लाने के लिए ए लिख दिए कितना दिन में करता है, छह दिन में, और बी कितना दिन में, बारह दिन में। तुरंत बनाना है, क्या ट्रिक से तुरंत आंसर लाना है, तो आप क्या करिएगा, तुरंत आंसर लाने के लिए क्या कह रहा है, ए तथा बी दोनों मिलता है, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर क्या करिएगा,
इसको और इसको दोनों को गुना कर दीजिएगा, दोनों को क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों के जोड़ के नीचे में लिख दीजिए, क्या करिएगा, दोनों के जोड़ के नीचे में लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ 6×12/18, ठीक है। काटता है काट दीजिए, 6×3=18, चर दिया 12, कितना आंसर आ गया 4। दिन इसमें उलटना नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाए, क्या करना है उल्टा नहीं करना, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया शॉर्ट में बनाने का, ठीक है। अगर आपको इससे पहले देखिए उसमें भी 4 दिन आया और इसमें भी 4 दिन आया, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस मेथड से आप बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको वो मेथड अच्छा लगता है तो उस मेथड से बनाएंगे, जैसे आपको समझ में आएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या कि एक बार आप समझ लीजिए, ये दोनों को जोड़ दिए, ए भी पूछ रहा है, ए कितना दिन में करता है 6 दिन में, गुना का चिन्ह दिए, बी कितना दिन में 12 दिन में, ठीक है। दोनों को गुना करके ऊपर में लिख दिए और ये दोनों को जोड़ के नीचे में लिख दिए, ठीक है। 6×12/18 इसको फिर काट दिए, ठीक है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ठीक है। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ठीक है। बी अकेला इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। मैंने क्या बताया था कि एक टाइप का 2 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी इसी हिसाब से आप अपनी बुक से बनाएंगे, कोई प्रकाशन का बुक। चलिए तो देखिए क्या है, पहले मैंने क्या बोला, लिखने के लिए लिखिए, ए अकेला कितना दिन में करता है 8 दिन में, और बी अकेला कितना दिन में करता है 4 दिन में, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए अगर अकेला काम करता है तब उसको कितना दिन लगता है, 8 दिन काम करने में लगता है, ठीक है। और बी अगर अकेला काम करता है तो उसको काम करने में कितना दिन लगता है, 4 दिन लगता है, ठीक है। मतलब अकेला करता है इसको 4 दिन, इसको 8 दिन, क्योंकि हो सकता है काम जल्दी करता होगा, इतना का देखते हैं, सब व्यक्ति एक ही टाइम में नहीं करेगा, अलग अलग करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये दोनों को मिला दिया जाए, इसका मतलब क्या है, एक ही काम पे दोनों आदमी को लगा दिया जाए तो काम कितना दिन में होगा। तो आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति अकेला काम करेगा तो उसको ज्यादा दिन लगेगा, और जब 2 आदमी आ जाएगा तो काम थोड़ी जल्दी हो जाएगा, और 3 आदमी आ जाएगा तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। देखिए आपको कैसे बनाना है, शॉर्ट में ट्रिक से बनाना है, ठीक है, लॉन्ग वाला में नहीं जाना है। देखिए आपको क्या करना है कि ए और प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप मैंने क्या बताया था शॉर्ट के लिए, तुरंत बनाने के लिए, कि ये वाला और ये वाला एक बार क्या करिएगा, आप गुना कर दीजिएगा, ठीक है, इसको और इसको गुना करके लिख दीजिएगा, और इसके नीचे में क्या करिएगा, दोनों पे जोड़ दीजिएगा, दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, बताया था ना। अब यहाँ क्या हो गया, 8×4/8 और 4=12, कितना 8×4=12। अब इसको काट दीजिए, चढ़ दिया 12, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 8×3 लिख दीजिए, ठीक है, और इसको बदल दीजिए पूर्णांक में, तो 3×2=2/3 दिन, कितना दिन काम लगेगा इसको करने में, 2×2=3 दिन इसको काम करने में लगेगा, ठीक है, इतना दिन इसको काम करने में लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि 2×2=3 कैसे आया, तो ध्यान दीजिएगा 8/3 लिखा हुआ, ठीक है, 8/3 लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ क्या हुआ कि देखिए 8 में भाग देना, इसका मतलब ये हुआ ना कि 8 में आपको भाग देना है, कितना से 3 से, तो सबको भाग देने के लिए भी करता है, 3 से 8 में भाग देंगे, 3×2=6, कितना आया 2, ठीक है। तो जो भागफल आता है, ठीक है, जो भागफल आता है, देखिए क्या होता है, जो भागफल आता है वो यहाँ लिखाता है, ठीक है, और जो शेष आता है जो ऊपर लिखाता है, जिससे आप भाग दे रहे वो नीचे लिखाता है, इतना दिन है ना, क्या हो जाएगा इतना दिन, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, आगे का वीडियो दूसरे वीडियो में देखेंगे।
ठीक है। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो हम आपको देते रहेंगे।